जाने वाले जाने वाले त्वानो अल्लादी कसमा फेरिया वाले ओ मियां जाने वाले। क्या बात बहुत। पंडित जी ने ग्वालियर घराने की तालीम पाई थी और टप्पा तो ग्वालियर घराने की विशेषता है। पंडित जी ने टप्पों की भी रचना की और टप्पा शैली को कायम रखते हुए विषय मात्र रामायण का चुना। जी, अगली प्रस्तुति पंडित जी द्वारा रचित टप्पे की रचना है जिसकी रिकॉर्डिंग कहीं भी उपलब्ध नहीं है, परंतु उसकी स्वरलिपि होने के कारण ही आज हम आपके सामने इसे प्रस्तुत कर पा रहे हैं। आज हमारे समक्ष टप्पा गायन में माहिर ग्वालियर घराने की मूर्धन्य कलाकार विदुषी मालिनी राजुरकर जी भी उपस्थित हैं। मालिनी जी का आशीर्वाद हम सबको यहाँ चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि आप पधारी हैं आज। ये हमारा उत्साह बड़ा है और हम बहुत ही जोश में आज आपके समक्ष इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका और बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपका आज यहाँ आने के लिए। तो उनकी अनुमति लेते हुए हम अगला टप्पा जो है वो राग भैरवी में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वैसे तो भैरवी से ही कार्यक्रम का समापन किया जाता है, परंतु इसे आज के कार्यक्रम का समापन ना समझें, आगे भी कई प्रस्तुतियां हैं। टप्पे पर चलने से पहले आपको बता दूं कि इस टप्पे में कौशल्या अपने राम लखन की प्रतीक्षा में ये कह रही है कि ए कौए, यदि तूने सिया सहित राम लखन के आने का शुभ समाचार सुनाया और ये बात सही निकली तो मैं तेरी चोंच सोने से मढ़ाऊंगी और दूध भात की दूनी देवो, यानी दूध और भात दोनों ही तुझे खिलाऊंगी। तो चलते हैं टप्पे पर जिसे आपके सामने लेकर आ रही हैं हरिणी राव, पुबाली मट्टू और मातंगी फड़के, राग भैरवी में। आ
चमड़े हो जब सिया सही रवि लोकी नावरी राम लखन उरा ले हो बैठे सगुण बैठे सगुण अति सुंदर